जीवन जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, अनादिकाल से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता गए हैं। पहला तरीका, जीवन में जो है उसे सेलिब्रेट कीजिए और हर पल को एंजॉय कीजिए। दूसरा तरीका, जीवन में जो नहीं है उसके लिए रोते रहिए, परेशान होते रहिए और हर पल को मर मर कर जिए। यानी बस ये दो तरीके, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। जिसने भी पहले तरीकों को अडॉप्ट किया, यानी जिसने भी जीवन में जो है उसे सेलिब्रेट किया, उसी ने लिबरेट किया। आज मेरे साथ मंथन में जो मेहमान हैं, उस मेहमान ने भी अपनी कमियों पर नहीं अपनी शक्तियों पर काम किया और आज तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ गुजरात के गौरव पद्मश्री डॉक्टर कनु भाई टेलर जी को। इनका नाम आप में से बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, उनकी काबिलियत भी आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। वो फाउंडर हैं डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उसके फाउंडर डायरेक्टर हैं। वो क्या करते हैं ना, जो डिसेबल लोग हैं जिन्हें हम दिव्यांगजन आज कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम उन्हें बराबरी का अभी भी मौका नहीं देते हैं, है ना। दिव्यांग कहने मात्र से अगर उन्हें बराबरी मिल जाती तो क्या ही बात थी। वो उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, रिहैबिलिटेशन देते हैं। उन्होंने स्कूल बनाए हैं, फिजियोथेरेपी के सेंटर्स बनाए हुए, कोचेज उन्होंने यहाँ रखे हुए हैं ताकि लोग उन्हें ट्रेन कर सके। कनु भाई हसमुख भाई टेलर, ये इनका पूरा नाम है। वो चेयरमैन है विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस की भी। इतनी सारी चीजें वो कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि वो बिल्कुल हाथ पैर से बिल्कुल स्ट्रांग होंगे और उसके बाद वो काम कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जर्नी में आज आपको उन्हीं के मुख से सुनवाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग उनको समझेंगे बेहतर तरीके से, वो जान पाएंगे कि जीवन में जो है अगर हम उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं तो सच में जीवन अपना ही नहीं दूसरों का भी सुंदर बन जाता है। मैं कनु भाई को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उनसे हम बात कर लेते हैं आज। देखिएगा, नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम सर। आप कैसे हो? आप कैसे हो योगिता जी? कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हूँ सर। मैं अभी आपके जाना लिए बहुत जरूरी है, पलंग में से ऑफिस में आया, सोया हुआ था, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम आया था तो डॉक्टर ने बोला कि आप उठना नहीं, पर मैंने कहा कि जब योगिता जी इतना काम कर रही हो तो मैं आज नहीं उठूं तो अच्छा नहीं लगेगा। सर आपने मुझे निशब्द कर दिया। मैं सच में सर बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप मतलब आपका जो हौसला है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। थैंक यू सो मच सर, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत छोटा इंटरव्यू करूं ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको शब्दों से बोल नहीं पाता। योगिता जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हम जैसे लोग आप लोगों से ही सीख करके जीवन में आगे बढ़ते हैं सर, वरना जब तक हमें कोई ऐसा पार्टनरशिप ना मिले नहीं रखो, तो कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये देश में आपके श्रोता है, इतने में से मेरे जैसे 10-15 कनु भाई मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर जैसे कि आप जो हैं, आप जितना काम कर रहे हैं दिव्यांग जनों के लिए, आपने उनके लिए पूरा रिहैबिलिटेशन भी कर दिया है, सब कुछ प्लान कर दिया है, आपके दिमाग में ये बात कैसे और क्यों आई कि आपको इन लोगों के लिए काम करना चाहिए जबकि आपको खुद भी अपने लिए बहुत कुछ करना मेरा जन्म एक छोटा सा गांव में हुआ था। मेरे पापा मम्मी बिल्कुल गरीब थे। मेरे परिवार में मेरे 4 भाई बहन थे और ये 4 भाई बहन के लिए मेरे पापा टेलरिंग काम करते थे और जितना भी उनकी आमदनी, वो टाइम की बात करता हूँ मैं,
65 साल पुरानी, वो एक एक 15-20 रुपया कमाते थे, 10-15, उसमें सबका गुजरान चलाता था। तो मेरा, जब मैं 8 महीना का था तब मुझे बुखार आया। तो पहले तो गांव वाले मंदिर मस्जिद हुआ लोग के पास पिच्छी मराने के लिए ले गए और कुछ हुआ नहीं। फिर गांव में कोई डॉक्टर था, पढ़ा लिखा इतना नहीं था, क्वालिफाइड, तो उनके पास ले गया और उनने इंजेक्शन लगा दिया। तो बुखार तो मेरा उतर गया, पर दोनों पांव अच्छा। साथ में लेके चला गया, दोनों पांव। फिर मैं, 1 साल हुआ, दो ओ साल हुआ, मैं चल नहीं सका। तब गांव वाले ने मेरे पिताजी को बोला कि तुम कनू को अच्छा डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या आनंद में एक मिशन हॉस्पिटल थी, उसमें ले गए। डॉक्टर ने देख कर बोला कि कनू भाई का बुखार तो चला गया, पर आजीवन उनका दोनों पांव भी लेके गया, उनको पोलियो हो गया है, वो जीवन में कभी चल नहीं पाएगा। तब मेरे मम्मी, मेरी माता जी बहुत रोई कि मैंने क्या परिस्थिति के हिसाब से दवा नहीं करवाई अच्छे डॉक्टर से, तो उनको पोलियो हो गया। और 1956, 57, 58, 99, 58 में 60 तक योगी पिताजी पोलियो बहुत आता था, पोलियो बहुत आता था, कितने लोग हाँ दिव्यांग बन सर, गए थे। बिल्कुल। तो मैं भी ये परिस्थिति में आ गया। बिल्कुल सर। माताजी बहुत रोई, परिवार में संकट आ गए ऐसा लगता था, पर भगवान के आगे किसी का चलता नहीं है। फिर मुझे, मैं सही बात दस है। नौ साल का हुआ तब मेरे को स्कूल में एडमिशन दिया। मेरे घर से मेरी स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर थी, तो मेरी माताजी और मेरे दादा उठा के सरू सरू में ले गया स्कूल में रखने के लिए। फिर उम्र, मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया, तो दादा ने बोला कि अभी मेरे से उठा नहीं पाता था, तो मैं घसड़ के चलता था, दोनों पांव दोनों हाथ लगा के। तब मेरे पीछे कुत्ता भौंसते थे, और सोचते होंगे कुत्ता के, नया कुत्ता कहाँ से आया। गांव में रोड नहीं था, कच्चा आहा, क्या रास्ता था, तो सर। मैं, मेरे हाथ में कांच लगता था, कांटा लगता था, घुटन में कांच लगता था। बहुत मेरा जीवन में संघर्षमय चालू हो गया। मैं 1 से 9 धोरण तक गांव में पढ़ा। मेरी उम्र भी बढ़ गई थी, मैं सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी। तो मैं 10वां धोरण में आया, तो मैंने सोचा कि अभी जिंदगी मुझे जीना नहीं है। मैंने नींद की एक साथ 10-12 गोलियां ले ओ ली 12 बजे खाने के बाद। फिर मैं उठ नहीं पाया, दूसरे दिन मेरे को भान आया। तब मेरे घर में सुन सन्नाटा था, गांव में सुन सन्नाटा था कि दर्जी का लड़का ने दवा पी ली है, दो भान पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे जीना नहीं था। माँ बाप की परिस्थिति इतनी गरीब थी, वो मुझे वो साइकिल भी देते नहीं थे। इसके लिए मैं घसड़ के चलता था, और मेरे को गांव का एक मजाक मस्ती में लोग मुझे कोई लंगड़ा बुलाता था। बड़े लोग कहते थे कि ये हसमुख कितने क्या किया होगा कि उसके बेटे घसड़ के चलता है, लाचार है, पूरी जिंदगी उनकी ऐसे ही जाएगी। तो मैंने कहा चलो, अभी जीना ही नहीं चाहता था मैं, मैंने गोली गल ली नहीं। फिर दूसरे दिन जब मैं, 4-5 बजे मुझे आंख खुली,
तब मैंने नक्की कर दिया मनोमन कि मेरे भगवान ने इच्छा नहीं है कि मैं उनके घर पे जाऊं, उनकी इच्छा है कि तुम इधर ही रहो। तो मैंने सोचा कि मुझे जीना चाहिए। फिर मैंने 10th की परीक्षा पास किया। बाद में मैंने नक्की किया, मेरा माँ बाप सोचते थे कि हम पान का गल्ला बीड़ी तम्बाकू बेचेंगे और उनका गुजरान चलेगा, पर मैं ऐसा मनोमन मैंने नक्की किया था कि मुझे जिंदगी हारने की नहीं है। जो मैं हार जाता तो मैं गोड़ी गड़ी तो मैं भगवान मुझे ले लेता, पर भगवान की इच्छा थी कि नहीं तेरे को जीना है। तो मैंने मेरे पास वो टाइम 10-12 साल की उम्र में 10th धोरण पास किया, तो कुछ मेरे पास 10-12 रुपया था। तो मैं सुबह की ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद गया सजानंद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में। उनके प्रिंसिपल को मिला और बताया कि देखो मेरा ये मार्कशीट है, मुझे कॉलेज करने की है, तो आप मुझे एडमिशन दो। प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, हम एडमिशन दे देते, आपका मार्क्स है तो हम करेंगे। फिर मैंने सोचा कहाँ रहूंगा, अहमदाबाद में पहली बार गया था, मेरा कोई जान पहचान वाले भी नहीं था। फिर वस्त्रापुर अटीला के पास एक अपंग मानव मंडल करके एक संस्था थी, उनके मानद मंत्री सुनंदा बेन वोहरा करके थे, बहुत दयालु थे। मैं उनके ऑफिस में घसर के गया तो उसने मेरे को बोले वहीं खड़ा रहो, मैं आती हूँ। मैंने बोला कि मैडम मेरा शहर में कोई नहीं है और यहाँ से मैं लगभग 200 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव से मैं आया हूँ, आनंद के पास से कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं आपकी स्कूल में जो स्कूल चलती है संस्था में, तो मैं आपकी स्कूल के बच्चों को 4th धोरण 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझे आपकी संस्था में रहने का और 2 टाइम खाने का मेरी व्यवस्था करवाइए और हर महीने मुझे 10 रुपया देना। उनको तो एक टीचर मिल गया है संस्था वाले को, तो बहुत खुश हो गए, बोले क्या आपको कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, मैं मेरे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाऊंगा, 4th स्टैंडर्ड का मैं टीचर बनूंगा, आप 10 रुपया इसके लिए मांग रहा हूँ, मैं टूथब्रश और साबुन के लिए मैं आपसे मांगता हूँ। उसने बोला तुम आज अभी से दाखिल हो जाओ स्कूल में। मेरे पास तो कुछ सामान नहीं था, 2 जोड़ी स्कूल का ड्रेस था, अच्छा चड्डी और बुस्कुट था। तो मैंने हो गया, फिर मैं रोज कॉलेज जाने लगा हाँ सुबह 7 बजे। 7 बजे से मैं 10 बजे तक कॉलेज में रहा, फिर 10 बजे मैं अपंग मानव मंडल में सेवा देता था। 4-5 दिन 1 वीक नहीं हुआ, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया कि बोले प्यून बुलाने के लिए आए, तो बोले आपको प्रिंसिपल बुलाता है। तो मैं घसड़ के गया, मैं डर गया था कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो मुझे क्यों बुला रहा है प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला तनु हाँ भाई हाँ आप चड्डी पहन के आता है तो ये कॉलेज में चड्डी नहीं चलती है। मैंने कहा कि सर मेरे माँ बाप की परिस्थिति बहुत गरीब है, वो मैं स्कूल में पढ़ता था तो चड्डी पहन के जाता था, मेरे पास पैंट नहीं है। प्रिंसिपल ने बोला कि देखो मैं मेरी पैंट देता हूँ, आप पैंट पहन के आना, पर साहब बहुत फैट थे, बहुत फैट थे, तो उसका पैंट मुझे उसने दिया। मेरे पास बेल्ट भी नहीं था, तो मैंने छुतरी लगा के ये पैंट पहन के, इतनी बड़ी पैंट ये पहन के मैं स्कूल भी जाता कॉलेज में जाता था। मेरी कॉलेज में और 3-4 दिव्यांग बच्चे कॉलेज में पढ़ते
पढ़ते थे, तो कॉलेज में स्पॉट एक दिन आई दिसंबर महीने में, तो सब लोगों स्पॉट में गए। तब मैंने सोचा कि मैं इस कॉलेज में चार पांच विकलांग लोग हैं, तो अपने भी स्पॉट करें। मैंने प्रिंसिपल को बोला कि हम लोगों को भी स्पॉट में रखो, तो प्रिंसिपल ने बोला मैं नहीं कर सकता, पर आप यूनिवर्सिटी में जाइए और वाइस चांसलर को आप मिलिए। मैंने कहा वो मेरे को जानते नहीं है, मैं नहीं जाऊं। बोले ऐसा करो कि आप कुल सचिव को मिलिए, उनका नाम है केवी परीख साहब। अरे मैंने कहा चलो, आपको पूरे नाम भी याद है, और प्रार्थना की। तो बोले कि आपको हम स्पॉट में क्या करेंगे। हाँ। मैंने कहा ट्राइसिकल रेस कराओ, व्हीलचेयर रेस कराओ। हाँ। जो दिव्यांग बैठा है बैठे बाला फेंक फेंकेगा, बॉल फेंकेगा, ये सब कुछ चार पांच स्पॉट रखो। बोले चार बच्चों से नहीं होती है। मैंने कहा सर मैं अहमदाबाद में कम से कम 15-20 कॉलेज चलती है, तो मैं 15-20 कॉलेजों में जितने दिव्यांग है उसको मैं लेके आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है कनु भाई आप लेके आओ। फिर मैं सभी कॉलेजों में गया और दिव्यांगों को समझाया कि स्पॉट में अपने हिस्सा लेने का है। तो संडे का टाइम दिया उस प्रिंसिपल ने और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने परीक्षा। मैंने सब दिव्यांगों मेरे पास 60-70 मैंने लिस्ट दिया, तो यूनिवर्सिटी वाला खुश हो गए कि डेट दिया संडे। 70 बच्चे ने 70 कितने बच्चों ने भाग लिया था सर, कितने बच्चों ने भाग लिया था? पूरे 15-20 कॉलेज थी अहमदाबाद में। मैंने अकेला एक नाम लिस्ट, और ये सारा काम आपने अकेले किया? कुछ 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 सर, उस कुछ वक्त नहीं था, कोई पहचान वाला नहीं था उस वक्त, तो ऐसा टेलीफोन मोबाइल कॉलेज जाके सब कॉलेज में जाके मैंने दिव्यांगों को बेटा किया, और दिव्यांग लोग भी खुश हो गए कि चलो अपनी पहली बार यूनिवर्सिटी में स्पॉट में जाएंगे, इनाम मिलेगा। सही बात है। मैंने कहा चलो अपने बेटा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। फिर संडे को दिन में दिया, वो दिन में मैदान में ऊपर गया स्पॉट के मैदान में, तो मैं बहुत दुखी हो गया। मेरी कॉलेज का चार बच्चे सिवाय बाकी कोई बच्चा आया ही नहीं, कोई उसमें भाग लेने के लिए भी अच्छा, नहीं देखने नहीं आया कोई भी, कोई आया ही नहीं, खिलाड़ी कोई नहीं आया। मैं बहुत दुखी हो गया कि मैंने इतनी मेहनत किया और क्यों नहीं आया। फिर स्पॉट्स कैंसल हो गई, तो मैं दिव्यांगों को जिसके लिस्ट था उसके पास सबको मैं मिलने के लिए गया कि आप क्यों नहीं आए। तो गांव से जो लोग आते थे वो लोग ने बोला कि जो कॉलेज करते हैं उसको बस में कंसेशन मिलता है। सर आपकी आवाज बंद हो गई अचानक, बस में कंसेशन मिलता है होगा ना बीच में, और हम पर गरीब आदमी है तो संडे को हम क्यों आए। तो मैं बहुत दुखी हो गया कि सर मैं तो कभी बस में बैठा नहीं था, तो मुझे उसका कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने कहा ये परिस्थिति है, मैं फिर से चांसलर के पास गया। मैंने कहा संडे के सिवाय और आप कोई दिन रखो कि सब बच्चे लोग आ सके। तो उसने बोला ठीक है हम गुरुवार को करते हैं। मैंने कहा सर ठीक है, मेरा 60-70 दिव्यांग लोग यूनिवर्सिटी में स्पॉट में आए। मेरा दिल बहुत खुश हो गया, चलो सब लोग आए और स्पॉट स्पॉट फर्स्ट टाइम पूरे गुजरात में हो रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
पर मेरे दिल में एक चीज बहुत बिल्कुल दुखी कर गई कि दिव्यांगों को बस एसटीव कॉर्पोरेशन क्यों कॉलेज के सिवाय दूसरे दिन दिवाली की छुट्टी उन्हाड़े की छुट्टी में क्यों बस कंसेशन। मैंने उसके कंसेशन चेयरमैन नहीं को देते। चिट्ठी लिखी, हाँ लिखता है रहा कम से कम 50-100 चिट्ठियां लिखी, फिर कुछ कुछ जवाब ही नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने चिट्ठी में लिख दिया कि ये तारीख को तक आप हमको कंसेशन नहीं देंगे तो मैं आमरण उपवास करूंगा, आपकी ऑफिस के सामने हाँ अनशन पर बैठ जाऊंगा, जब तक आप दिव्यांगों को कंसेशन हाँ नहीं देंगे पूरे गुजरात में तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और बाहर पीछे आपके ऑफिस के पास बैठ रहूंगा। तो एक दिन दो दिन तीन दिन हो गया, ओहो कुछ वो लोग ने सोचा कि तो एक दिव्यांग क्या करेगा, वो तो उठ के चला जाएगा, किसी ने ध्यान ऐसे भी बोल नहीं रहे। रखा। मैं और हाँ मेरे कॉलेज के चार बच्चे हम राइट बैठ ही राइट रहे वहां। फिर पेपर वाले ने लिखा कि कोई दिव्यांग खबर 4 दिन से खा डाला होगा। खाना पीना बिना तो दिव्यांगों के लिए अवकाश में गुजरात का इतिहास में पहली बार बैठा है। तब गांव गांव से जी कोई राजकोट से कोई अहमदाबाद तब सुनवाई। आपका फोन आ गया लगता है आने कुछ। लगा दिव्यांगों हाँ के, ये तो उसके लिए नहीं करता है, हाँ अपने लिए जिंदगी जी रहा है, कर रहा है कंसेशन के लिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत लोग एक वेरी नाइस। 4-5 दिन में तो 100-200 हाँ दिव्यांगो आके मेरे साथ बैठ गए। और कितने दिव्यांग बोलते थे कन्हू भाई आप ऐसा मत करो, वो लोग नहीं अरे करेंगे वाह। तो आप मर जाएंगे। मैंने कहा मेरे को जीना ही नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। एक बार तो मरना प्रयत्न कर लिया पर भगवान ने वापस भेजा, तो अभी भगवान को जो करना हो करने दो। फिर 12 दिन के बाद बीच में मोरारजी देसाई भी मुझे देखने के लिए पेपर के हिसाब से आए वहां समझाने के लिए, इंदिरा गांधी भी आई। तब तो हाँ इंदिरा गांधी आई, उसके साथ सीएम था माधव सिंह सोलंकी, गुजरात के मुख्यमंत्री वो टाइम माधव सिंह सोलंकी थे, और वाहन व्यवहार मिनिस्टर मोहम्मद भाई सुरती थे। वो लोग अच्छा। आए 12 दिन के बाद कि हम आपको मांगनी आपकी स्वीकार लेते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, पहले तो लिखो कि बस में हाँ एक दरवाजा के सामने लिखो कि हाँ 3 बैठक दिव्यांगों हाँ को लिए रिजर्व रखेंगे। वो लोग बोले अभी हाँ लिखवा देते। फिर मैंने कहा जो दिव्यांग चल नहीं सकते उसको एक भी पैसा फी नहीं लेने का, माफी में ले जाना। बोले हाँ, ये भी मांगनी स्वीकारा। फिर मैंने कहा जो उस जिसको उठाने वाला आदमी होता है उसको हाँ एस्कॉर्ट होता है तो एस्कॉर्ट की 50% फी माफ करो, ये भी फी माफ करते हैं पर आप अवकाश छोड़ दो। तो वो टाइम गुजरात के सारा 3 लाख दिव्यांगों को और अभी तक ये स्कीम चालू रहती है। आज गुजरात में इतना हो गया, फिर क्या मोरारजी बात देसाई है के सर, साथ क्या बात मेरा है, रिश्ता अच्छा बन गया। तो मोरारजी बहुत देसाई अच्छा जब सर। प्राइम मिनिस्टर बने तब उनका पीए जयंती भाई पटेल करके थे, तो हाँ जयंती भाई ने मेरे को कलेक्टर को बुला के कन्हू भाई टेलर करके है ये स्कूल में पढ़ते हैं जो पास पे बैठा था उसके साथ हाँ हमको बात करवाओ। तब तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं हाँ था कुछ नहीं था, तो ये मेरी संस्था और कॉलेज हाँ में ढूंढ ढूंढ के पुलिस वाला ढूंढ के आया और मुझे कलेक्टर के पास ले गया और कलेक्टर ने मेरे को दिल्ली बात करवाया कि हम हाँ 6 मोबिलिटी इंटरनेशनल
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जिनीवा में मिल रही है, जिनीवा हाँ स्विट्जरलैंड। मैं जिनेवा में ना, सेवेंटी नाइन की हाँ बात करता हूँ। तो अच्छा अच्छा बोले आपको हाँ हाँ बात करो, हाँ प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी है। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोले कि हम आपको, बड़ा प्रधान, आपको स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं, तो आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो आप अरे वाह। दिल्ली पीएम ऑफिस मोरारजी देसाई की रेसिडेंट पे आपको आने का है। मैंने कहा मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। बोले हम अरे आपको कॉम्प्लीमेंट टिकट भेजते हैं और आप ये हाँ टिकट से दिल्ली आएंगे, दिल्ली आएंगे तब हम आपको रिक्शा में उनके घर पे ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मेरे माँ बाप को पूछा, पापा मम्मी को, कि मैं दिल्ली जाऊं, मुझे मालूम नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली जाने का है। मैं घसट घसट के दिल्ली गया, ट्रेन जी में से उतर, कुछ नहीं था मेरे पास, आपके परिस्थिति पास इतनी अभी भी गरीब थी व्हीलचेयर नहीं आया था? तो किसी ने दिया भी नहीं। मैं हमेशा मैं दिव्यांगों का ही सोचता रहता था। तो मुझे, मैं उनके घर पे गए, घर पे गए तो मोरारजी देसाई ने बोला, देखो ये मुझे कनू कह के बुलाते थे, कनू मैं तुमको स्विट्जरलैंड भेजू। मैंने कहा मुझे क्यों आपने पसंद किया? बोले तू ये 10-12 दिन तू आमरण उपवास किया तूने, मैंने भी समझा, तू माना नहीं, तू बहुत जिद्दी है, तो मैं तेरे को कॉन्फ्रेंस में भेजू। आज देखो ये कॉन्फ्रेंस 6 दिन की है, यहाँ से तू बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से तू लंदन जाएगा, लंदन से तू स्विट्जरलैंड जाएगा और फिर से तू लंदन से सीधा इंडिया आएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, मुझे मेरे माँ बाप को मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर उनका मेरा फोटो देखा टीवी में आया, तो टीवी में आने के बाद मेरे समाज वाले, जो दर्जी लोग थे, जो थोड़े पैसे वाले थे, सगा वाले, उनको मैंने बताया कि मेरे पास कुछ हाँ नहीं, तो एक हाँ सगा ने मेरे को बागली टुकली एक एक सूटकेस दिलाया, किसी ने व्हीलचेयर दिलाया, किसी ने 2-3 जोड़ी मेरे को कपड़ा अच्छा सिलाया, किसी ने कोट दिया, ओ किसी ने टाई दिया, किसी ने 2-3 हाँ पैंट दिलाया। फिर मैं, जो डेट आई वो डेट के हिसाब, ये डेट के हिसाब से मैं हाँ ट्रेन आप में उस टाइम मुंबई गए। गया, बॉम्बे गया तो भारत सरकार के प्रतिनिधि हाँ रमेश भंडारी करके फर्स्ट सेक्रेटरी था, ये तो हाँ था, पर वहां कोई अधिकारी आया, मुझे प्लेन में बिठाया, लंदन उतरा तो एनजी गोरे करके भारत का हाई कमिश्नर था इंडियन एम्बेसी में, हाँ एनजी गोरे करके था, वो खुद एम्बेसडर था इंडियन अच्छा का, तो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए। फर्स्ट सेक्रेटरी था रमेश हाँ भंडारी, वो भी आए। तो मेरे हाँ लिए आपको नहीं मालूम मालूम पड़ेगा, हाँ नहीं मानोगे, अच्छा सा सूट लाए, एक व्हीलचेयर लाए और सूटकेस भी लाया। ओ मैंने कहा कि वाह अरे मुझे इंडिया में क्यों नहीं दिया सर? बोले बड़ा वाह प्रधान ने बताया था कि उनका व्हील पावर हाँ कैसा है हाँ ये देखना, हाँ और तुमको देखते रहते थे कि तुम क्या कर ओ सकते, कैसे आते। हाँ बोले हम आपको व्हीलचेयर भी दे रहे हैं, सूट भी दे रहे हैं और आपके साथ हम दोनों हाँ आ रहे हैं इंडियन एम्बेसी। सर
मुझे ना एक बात पूछनी है आपसे, मुझे आपसे एक बात पूछनी है सर, माफ कीजिएगा। देखिए, आपका जो टाइम था, आपका जो स्ट्रगल था, है ना, आपने इतनी मेहनत से लोगों के लिए इतना इजी बनाया है। अभी देखा जाए तो सरकार में आरसीआई भी है ना, आरसीआई, हम क्या बोलते हैं उसको, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई है। आपको क्या वो लोग अब मदद करते हैं, क्योंकि आपने वो पूरा जर्नी अकेले तय किया, सब कुछ आपने अकेले तय किया। अब तो एक पूरा मिनिस्ट्री में एक पूरा ब्रांच बना हुआ है जो कि हैबिलिटेशन के लिए काम करती है। क्या वो आपके मैं साथ जुड़ बताता करके हूँ, ये आपके भी पूरे बताता काम हूँ, में कुछ हेल्प आती है उनकी फिर तरफ से? मैं माफ करना, मैं कंटिन्यू हाँ चाहता था, हाँ मैं आपका जवाब भी मैं दूंगा। मैं हाँ हाँ नहीं सर, वो बताइए। जब हाँ सर, हाँ सर, जिनेवा बताइए। पहुंचे रात की फ्लाइट में, मुझे लेके दूसरे दिन मैं जिनेवा पहुंचे, मेरे साथ एम्बेसडर था और सेक्रेटरी भी था। मुझे कोट पहन, मैंने टाई नहीं बांधना आता था तो उसने टाई भी बांध दिया। मैं वहां जाके सबको नमस्ते कर पहले दिन किया। देखो मैं सही बात बोल देता हूँ आपको, मैंने सबको नमस्ते जी नमस्ते किया तो लोगों को लगा कि आदमी को कुछ मालूम नहीं। मैंने सोचा, मैंने देखा वहां सब एक आता दूसरे नहीं को है। गले हाँ लगते थे, हाँ आता नहीं है। मुंह पे गाल पर एक दूसरे को किस करते थे। मैंने ओ इंडिया का कल्चर के हिसाब से मैंने कुछ उसको किया नहीं, तो हाँ वहां के प्रमुख और वहां के जो सेक्रेट सब लोग आए थे, तो हाँ उसने सोचा कि गवार आदमी क्या करेगा। हाँ फिर रात को जब सेक्रेटरी मुझे मिले तो बोले कि कन्नू भाई आप कभी बाहर नहीं गए? मैंने कहा जिंदगी में पहली बार तो मुंबई देखा, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, हाँ मेरा माँ बाप की परिस्थिति इतनी गरीब, हाँ मैं भी इतना गरीब तो मैं कहाँ से सब देखूं। बोले यहाँ यहाँ देखो, आपने देखा सब एक दूसरे को गाल पे किस करते हैं और यहाँ नमस्ते नमस्ते नहीं चलता है, एक दूसरे को गले मिलना पड़ता है, तो ऐसा कल्चर आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो मैं दूसरे दिन गया हाँ तो सबको मैंने बुला बुला के सबको गले लगना चालू कर दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपके जैसे सब लेडिया थी तो वो तो कितनी खुश हो जाती थी। तो मेरे को दोपहर के बाद चमत्कार मानो, मुझे जो पीछे हाँ बिठाया था तो सबके आगे बिठा दिया। हाँ सब लोगे के अच्छा आदमी, अच्छा आदमी है। वाह मेरे को स्विमिंग हाँ नहीं आता था तो अभी मेरे ले जाते थे। तो मैं तो हाँ इस नई दुनिया में आ ओह गया था कि भगवान तूने मेरे को इस स्वर्ग लोक में नहीं लाया, पर स्वर्ग तो यहाँ आए हैं। तो मेरा प्रवचन भी वो लोग ने दूसरे दिन रखा कि सही बात है। आपका प्रवचन हम रखते हैं। वहां कॉन्फ्रेंस में क्या था, सबके गले में हाँ स्पीकर देते थे और वो स्पीकर हाँ वो टाइम आपको सब लोग हिंदी में बोलते हैं, तो ये जितने भी फ्रांस वाले आए, ऑन लंदन करते वाले थे। आए, जर्मन वाला आए, रशिया हाँ वाला आए, तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाता था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, हाँ हिंदी में हाँ मैं तो बोल सकता था, हिंदी में लेक्चर दिया कि जो भगवान ऐसा है जो ने बहुत पाप किया है वो दिव्यांग बना देता है, पर उसको भारत हाँ भेजता है, पाकिस्तान भेजते हाँ हैं, साउथ अफ्रीका भेजते हैं, केन्या भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, वहां दिव्यांगों को भेज देते हैं। और जो बहुत खून किया है तो ये दिव्यांग को लंदन भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, कुवैत भेजते हैं। तो ऐसे धनाढ्य कंट्री में उनका जन्म होता है। तो ये लोग सोच में पड़ गए। मैंने कहा इंडिया में हाँ दिव्यांगों की दुर्दशा बहुत खराब है, मेरे जैसे सब होता है घसर घसर के चलना, उनके सही बात जीवन में सब कुछ दुख वाला हो जाता है। और कुछ देश में तो वो टाइम बिहार यूपी बराबर। अपने देश में दिव्यांगों की वो टाइम बहुत दुर्दशा बहुत खराब थी। सब
सर दिव्यांगों की दशा तभी भी नहीं, सर आज के टाइम में भी कुछ अच्छी नहीं है। मतलब क्योंकि मैंने जैसे आपसे आरसीआई का जिक्र किया योगिता था, मैं ये उसके पीछे बताऊं, मेरी मेरी मंशा ही ये पर थी कि हम लोग को कई बार वो लगता है टाइम ना, की दशा कुछ कह रहे। दिव्यांगों हाँ की बहुत दयामय होती थी। फिर मैंने बहुत खराब मेरा दूसरे दिन राइट सर। तीसरे दिन खत्म हुई कॉन्फ्रेंस, तो लंदन वाले ने मेरे को बोला कि आप हाँ हमारे यूके में जी हमारे दिव्यांगों को इंस्टीट्यूट को आप मिलो। मैंने कहा कि देखो मेरी टिकट तो एक हफ्ते की है, बाद में मैं टिकट भी चला जाएगा और आप भी चले जाएंगे, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो वो लोग ने लंदन वाले ने बोला कि हम आपको हाँ टिकट जी देंगे। तो फ्रांस वाले ने बोला कनु भाई आप लंदन आओ, लंदन से फ्रांस की टिकट हम देते हैं। फिर कनाडा वाला ने बोला, साउथ अफ्रीका वाला ने बोला, नैरोबी वाला ने बोला, आठ कंट्री ने बोला। तो मैं 8 महीने के बाद, 8 महीना हो गया मुझे मतलब भी वहां घूमने का और सब विदेश कुछ में खर्चा पानी जहाँ कंट्री में मैं गया वो देते रहे। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर से हट गया, तो हाँ फिर चरण सिंह चौधरी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना। ओह जब मैं 9 महीने के बाद हाँ इंडिया आया, मैं रिपोर्ट देने के लिए गया तो चरण हाँ सिंह चौधरी मुझे मिले, उसने मेरा रिपोर्ट तो ले लिया, प्रशंसा भी किया। फिर 20-25 दिन के बाद चरण सिंह चौधरी चले गए, इंदिरा गांधी आई प्राइम मिनिस्टर में, तो मैं उनको रिपोर्ट अच्छी तरह से बना के गया, मैंने उनको बताया। तब तो उसने कहा कि तुमने साइन किया 91 में डिसेबल ईयर पूरा मनाने का, यूनो वाला ने नक्की कर दिया था। बोले आप साइन करके आए? मैंने कहा मैं साइन करके आया। बोले हम भी 91 में डिसेबल का ईयर मनाएंगे। बहुत खुश हो गया इंदिरा जी और मेरी प्रशंसा किया, अभिनंदन दिया, रिपोर्ट दिया। 1 साल तक भारत सरकार ने पूरे इंडिया में डिसेबल की जन जागृति के लिए कार्य करना चालू कर दिया। जब मैं कॉलेज भी अहमदाबाद आया तब तो मेरे बहुत लोगों ने मेरा सम्मान किया। मैं मनोमन आपसे सही बात बोलूं तो मुझे एक गाना याद आ गया, साला मैं तो साहब बन गया। इसका खुश हुआ, फिर साला मैं साहब बन गया, पर मेरी कॉलेज का लास्ट ईयर था तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूं। कॉलेज में से मेरा बढ़नापन, मेरा दिमाग ऐसा चल गया था कि मैं तो बहुत वीआईपी आदमी हूँ। फिर 1 महीने के बाद मेरा पारा थोड़ा थोड़ा उतरने लगा, नॉर्मल नॉर्मल हुआ। फिर मैं गांव गया, मेरे गांव हुआ, में फिर नॉर्मल हुआ। मेरे पापा मम्मी ने कहा कि भाई तुम कुछ हाँ तो करना पड़ेगा। मैंने सब जगह पे एप्लीकेशन करना चालू किया। पहली एप्लीकेशन मेरी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कलेक्टर के पास गई। कलेक्टर ने मेरे को बोला कि तुम नौकरी करोगे? मैंने कहा, तो मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू हुआ, पास हो गया। फिर मेरा नंबर फर्स्ट आया था, पर दूसरा नंबर एक तारापुर करके खेड़ा हाँ में गांव है, वो लड़की थी, उसके माँ बाप कुछ कोई नहीं था और मेरे जैसी कसर थी। तो उसने मेरे को संपर्क किया, अच्छा मेरे पास आई, बोले ओहो आप रिजाइन कर दो तो आपकी जगह पे मेरा नंबर दूसरा है, तो मुझे नंबर लग जाएगा। मैंने बहुत सोचा कि मुझे तो नौकरी मिल जाएगी, पर ये लड़की अरे दिव्यांग है, उसका कोई नहीं है, तो उसको मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। मैंने रिजाइन उसको दे दिया, उसका नंबर दूसरे तीसरे महीने उसको जॉब मिल गई।
फिर मैंने एप्लीकेशन फिर से कलेक्टर ऑफिस किया, तो इंटरव्यू आया तो कलेक्टर तो मेरे को पहचान गया। उसने बोला कि मैंने तो आपको सिलेक्ट किया था, तू क्यों वापस आया भाई। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, तो मैं उस रिजाइन कर दिया। फिर कलेक्टर कुछ बोले नहीं, जाओ तुम घर पे, तो मैं गांव में चला गया। 4-5 दिन के बाद कलेक्टर आया मेरे, कुर्सी नहीं थी, पलंग पे उसको बिठाया, और गैस नहीं था तो चूल्हा में मैंने चाय मेरी मम्मी ने बनाई, उसको चाय पिला रहे थे। तब उसने बोला कि कनु भाई तुम आज जीवन नौकरी नहीं करवाओगे। मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं सर। बोले ज्योतिष भी जानते थे, वो बोले कि तुम्हेरा जन्म कोई लोगों की सेवा करने के लिए आया, तुम कहीं भी नौकरी नहीं कर पाओगे, मैं लिख कर दो। तो मैं बहुत सोच में पड़ गया, नौकरी नहीं मिलेगी। बोले नहीं, भगवान ने कुछ और सोचा होगा कि तूने मैंने नौकरी दिलाई, तूने वापस उनको दे दिया, तो करो भाई मैं इसके लिए आपके घर पे आया हूँ और आप कुछ करो नहीं। मैं सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं। जाने के बाद फिर मेरे गांव के पास में एक ब्लाइंड लड़का मुझे मिला, इसका नाम था पूजा भाई। उसने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था। अच्छा। तो प्रिंटिंग प्रेस में आपका समय चला जाए तो मुझे बता देना। नहीं सर, असल में हमारा 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, लेकिन आज तो मजा आ रहा है सुनने में, 1 घंटे होने वाले हैं। नहीं होना चाहिए। फिर मैंने छोड़ दी उसके साथ। बताइए। नहीं सर, मैंने कहा कि चलो अपने, मेरे पास 20-25 हजार है, बिगा किया हुआ है, तो अपने प्रिंटिंग प्रेस यहाँ चलता नहीं है, तो चलो सूरत चले जाते अपने दोनों की पार्टनरशिप। तो उसने बोला कि मेरा को बैंक में पैसा देने का है। मैंने कहा आप 20 हजार बैंक का मैनेजर को मैं मिला, बोला कि 20 हजार रुपया ले लो और बाद में मैं लोन लेके आपको वापस कर दूंगा। वो मान गए और 5 हजार रुपया मैंने ट्रक के लिए, फिर सूरत में 85 में स्लम एरिया में झुपड़पट्टी में मैंने 29 4 85 2 9 4 अप्रैल 85 में मैंने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। तो प्रिंटिंग प्रेस झुपड़पट्टी ऊपर पतरा भी नहीं था, प्लास्टिक बांधा हुआ था, कुछ नहीं था। तो मैंने 5 आदमी को ढूंढा, एक मशीन चलाने वाला, एक बाइडिंग करने वाला, और एक ऑर्डर लेने वाला, एक कंपोज करने वाला, और मैं, और दो लड़की, एक लड़की और 4 पुरुष। तो प्रिंटिंग प्रेस चालू किया, तो खाना तो दे मिला, मकान तो मिलते नहीं था, झोपड़पट्टी में था, बार उपला पे मैं सो रहता था, 2 रुपया की चाय और भजिया खा लेता था। और 2 साल हुआ तो ऐसे उठला पे सोने का। तो एक दिन मेरे प्रिंस पूजा भाई ने बोला कि जो अपने वहां जो काम कर बैठने के लिए दोनों हाथ नहीं है, वो लड़की आपके वहां काम करती है, तो आप ऐसा करो उसके साथ शादी कर लो, उसका नाम हंसा बेन है, तो अपने को कोई रूम मिलेगा भाड़े पे। हाँ तो मैंने कहा ऐसा। उसने बोला मेरे को 2 बजे, तो मैं गया 5 बजे उनके घर में, वो भी बहुत गरीब थी, तो मैं जाके उसका बोला हंसा मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो बोले ऐसा 2 साल से नहीं बोला, अभी बोलने लगा। मैंने कहा मैं शादी करके मकान भाड़े लूंगा। बोले ऐसा निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे को पूछना पड़ेगा। वो बोले कि ना माँ बाप भाई था और माँ, उसने सोचा कि ये तो साला आज नहीं तो कल होएगा, अच्छा चलो कर दो। तो मैंने कहा चलो कैसे करें। मैंने कहा देख अपने गायत्री मंदिर जाएंगे,
गायत्री मंदिर जाएंगे रिक्शा में, फिर अपने शादी कर लेंगे। तो हाँ मंदिर ले गया, तो फिर मैंने कहा, उठाने वाला आदमी था तो मैंने कहा, हाँ अभी रुक रुक भाई रुक, ये देख मेरे को उठाएगा, हाँ और तू भी चलती है तो मंगल फेरा पड़ेगा तो तेरे दो पति होएगा, उससे अच्छा है जिंदगी जीना हो। तो मैं तो चल नहीं सकता हूँ, मैं तेरे को रिक्शा में कंकू लगा देता हूँ, माथे पीला कर देता हूँ, सामने माता जी का मंदिर है, और कह देते कि हे माँ हम आज से पति पत्नी बन गए, हाँ दूसरे को क्यों बोला, मैं तो चल नहीं सकता, वो मेरे को उठाएगा। तो फिर तू बोलेगी, तेरे को मन में सोचेंगे कि मेरा दो पति है, उससे अच्छा है कि सामने माता जी के सामने माथे पे कंकू लगा दो, और जो मैं मंगल सूत्र लाया हूँ वो मंगल सूत्र मैं पहना देता हूँ। बोले तो बात आपकी सही है, नहीं तो मेरे जीवन में दो पति होएगा। मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने कहा मैं स्पष्ट आपको बोल दूँ। तो उसने मान गई, माता जी के सामने पढ़ने लग दिया, मंगल सूत्र पे तिलक कर दिया, हाँ शादी हो गई। फिर उसका भाई ने, उसकी बहन ने कोई मकान जी ढूंढा, हमको मिल गया, उसकी भाभी उसको मदद करने के लिए आती थी, शादी हो गई। आज मेरे को दो बेटियां हैं, दो बेटियां, एक बेटी रचना करके है, वो MBA गोल्ड अरे मेडलिस्ट बाप है फर्स्ट क्लास, और उनकी रे, भी शादी हो गई, उनको भी एक बेटी है 7 साल की, और छोटी है वाह सोनल, वो भी बहुत अच्छी है, या मेरी चैनल वही चलाती है, उनको भी बेटी है। ये संसार अच्छा, पूरा हो गया, और अरे वाह, ब्यूटीफुल, स्कूल 85 में आया, एटी फाइव वेरी में नाइस, मैंने 85 में जब स्कूल, अरे वो प्रिंटिंग प्रेस में आया, तब मैंने सोचा कि यहाँ दिव्यांगों कितने हैं। तो मैंने सर्वे किया तो 97 में 4 बच्चों से हाँ कॉरपोरेशन में मुझे टूटा फूटा दो रूम दे दिया। तो हाँ मैंने स्कूल के बच्चों को, तो 4 5 बच्चे आए, तो उसका माँ बाप बोलते थे झुपड़पट्टी का कि कनु भाई हम उसको यहाँ छोड़ देते हैं, फिर बैठ रहते हैं तो हमारा घर नहीं चलेगा, उससे अच्छा है कि हम बच्चों को आजीवन उनकी सेवा करेंगे और खाना खिलाएं। तो फिर मैं टेंशन में आ गया कि क्या करूं। फिर मैंने ये थम्सअप कंपनी के मालिक को मैंने मिलने के लिए गया और बताया कि मेरी ये परिस्थिति, आप मुझे एक रिक्शा दो दान में। तो उसने बोला कि कनु भाई आप अमेरी कंपनी की ओर से कोई भी बैंक में जाओ और एक रिक्शा की लोन आपको कोई दे तो हम आपको दे देंगे, हफ्ता भरेंगे। तो मैं प्राइम कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन गोकुल बख्शी था, मैं उनके पास गया, बोले ये कंपनी तो बहुत पैसे वाली कंपनी है, हम एक नहीं दो रिक्शा आपको देते हैं, बोलो। अरे मैं कह दो वाह वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु, ये तो कमाल हो गया, दो रिक्शा आने से। मैंने स्कूल में एडमिशन की डेट नक्की नहीं किया था, जो आया वो दिन से एडमिशन। तो 1 साल तक मैंने चलाया एडमिशन, तो 70-80 बच्चे हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे तो आ रहे हैं पर लोगों को नहीं बताऊंगा तब तक संस्था नहीं चलेगी। कॉरपोरेशन के बड़े बड़े मेयर को, फिर सूरत सही शहर बात के है, एमएलए को, सही, MP को, सबको मैं हाँ, बोला हूँ कि आप आइए, ये दिव्यांग लोग शनिदेव का स्वरूप है, जो आप दिव्यांगों के साथ रहेंगे तो शनिदेव आपको बहुत मदद करेगा। हाँ 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 तो लोगों को तो शनिदेव से तो अरे सब डरते हैं, वाह, डरते सब डरते हैं। तो ये लोग ने मेरी हैं बात सब, मान ली, किसी ने डरते हैं, खाने का दिया, किसी ने नोटबुक दिया, किसी ने नोटबुक दिया, ट्रेस दिया,
ट्राइसिकल दिया, व्हीलचेयर दिया, तो एक साल में मेरा इतना हो गया। फिर म्युनिसिपल कमिश्नर राव साहब करके थे, ऐसा राव उसका बहुत बड़ा नाम था, वो आए मेरे वहां, तो उसने देखा तो उसने 10 कमरा मेरे को अलग दे दिया। 10 कमरा, 10 कमरा देने से मेरे 1 से 7 दोन की स्कूल कर दिया, पर मैंने ऐसा नहीं रखा था, जो आया उसको पढ़ाने का। लायंस क्लब ने मदद किया, रोटरी क्लब ने किया, जो शहर में थे। फिर पतंग महोत्सव रखा मैंने दिव्यांगों का, तो लोगों को बुलाया कि लोगों को देखे कि दिव्यांग बैठे बैठे पतंग कैसे चढ़ाते, तो लोगों को संवेदना जगाने का पतंग उड़ा सकते हैं चालू किया, संवेदना। फिर कॉर्पोरेशन 3 साल, हाँ, तीन साल के बाद एक टूटी फूटी मेरे को एक बंगार स्कूल दे दिया, उसपे मैंने लीव बनवाया लोगों को, रिलायंस को, क्रूपको को, एलएनटी को बोल के नई बिल्डिंग बना दी। फिर उससे 1 से 10 तोड़न की मेरी स्कूल हो गई। अब कंप्यूटर सेंटर भी लगवाया, वो टाइम काशीराम राणा करके एमपी थे, उनकी ग्रांट में से उसने मेरे को कंप्यूटर 10 कंप्यूटर दिलाया। उनका उद्घाटन करने के लिए महामहिम राज्यपाल आए थे, तो राज्यपाल भी बहुत खुश हो गए। पर एक दिन जो मोदी, नरेंद्र मोदी को हिमाचल में से हिमाचल में से उसको भाजपा के जम्मू कश्मीर में वो प्रभारी थे, तो उस सरकार में मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो खाली खाली फोन तो करूं, लगे तो ठीक है, नहीं नहीं लगे तो ट्रेन में आ रहा था, तो किसी ने नंबर दिया था तो नंबर पे घुमाया तो लग गया। फिर नरेंद्र मोदी को अभिनंदन दिया कि तुमको कैसे मालूम, मैंने कहा ऐसे ही मैंने फोन किया, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, एक बात करके रख दिया फोन। फिर उनकी गुजरात में उनका मुख्यमंत्री की शपथ विधि थी, तो शपथ विधि के दिन गुजरात में सूरत के बहुत लोग गांधीनगर जा रहे थे, मैं जाने वाला नहीं था, पर एक कॉर्पोरेटर बहन आई, बोले मैं मेरी गाड़ी में ले जाऊं आप के हिसाब से मुझे भी मिलने का मौका मिलेगा। मैं गाड़ी में रात को 8 बजे बैठ गया, सुबह 6 बजे मैं गांधीनगर पहुंचा, तो वहां सबको पूछा, बोले इनविटेशन पास के बिना अंदर नहीं जाने देंगे। मैंने सोचा कि क्या करूं, मेरा तो गांधीनगर में कोई पहचान वाला नहीं है, तो मैं सीधा राजभवन गया, 9 बजे गया और राज्यपाल के अंदर चिट्ठी भेजी, तो नया नया था, मेरे स्कूल में आके गया था, तो उसका एडीसी भी जानता था, तो बोले कन्हू भाई आपको मुश्किल है, अभी एक भी पास नहीं बचा। वो बोले ठीक है मैं गवर्नर से मिल के आता हूँ। गवर्नर को पास गया वो एडीसी, उसने बताया कि कन्हू भाई आया सूरत से, पास नहीं है। अरे गवर्नर ने बोला पास नहीं है तो अपना जो बैठने वाले है सीट उसमें कन्हू भाई को बिठा दो ना व्हीलचेयर पे, एक सीट को क्या है कि अपनी जो रिजवर्क है उसमें बिठा दो उसको। तो मेरे को बिठा दिया, और नरेंद्र मोदी मेरे से कम 50 फुट दूर नहीं थे, तो मेरे व्हीलचेयर पे बैठे बैठे मुझे को देखते थे। वो देखता था कि साला दिव्यांग है और राजभवन की सीट में बैठा है, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर होगा तो, और कोई अच्छा होगा क्या। तो जैसी शपथ विधि पूरी हो गई तो उसने इमीडिएट उसका पीए को बोला, दिव्यांग व्हीलचेयर में बैठा था वो कहाँ गया, बोले सूरत के जो मिनिस्टर बने हेमंत चपट वाला उसके वहां शायद खाना खाने के लिए गया होगा, पैसा नहीं होता है तो सूरत का मिनिस्टर के वहां पहुंच गया होगा और खाना खाएंगे फिर वो चले जाएंगे। तो चंपल
पहले बिना नरेंद्र मोदी वहां हेमंत चपट वाले के बंगले में आ गए तो देखा तो मैं तो खूणा में बैठा हुआ था, तो मेरे पास आ गए और बोले आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, दिव्यांग बालकों की, तब तो दिव्यांग शब्द नहीं था, विकलांग बच्चों विकलांग बच्चों विकलांग स्कूल चलाता हूँ। बोले कहा, मैंने कहा सूरत में। बोले इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री बना हूँ कि आप जैसे लोगों को मैं मदद करूँ। मैं सूरत आऊ तब आपकी स्कूल की मैं मुलाकात लूंगा। अरे तो मेरा स्वभाव ऐसा था, मैंने कहा सर मैं दिव्यांग हूँ जन्म से, आप गपागप मत करिए, आप दिव्यांग के घर पे आने वाले स्कूल में आने वाले नहीं है, ये तो अभी आपने शपथ विधि लिया इसके लिए मेरे को आप आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आप आश्वासन देते न्यू है मुझे, आप नहीं आने वाले। बोले मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जैसे सूरत में आऊंगा ऐसे तो मेरे स्कूल में आऊंगा, बाद में मेरा कार्यक्रम बनेगा। ठीक है सर, मैंने कहा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर वो बात सुन के एड्रेस लेके चले गए। फिर मैंने एक महीने के बाद सूरत के कलेक्टर संगीता बहन करके थे और पुलिस कमिश्नर थे वो पीसी पांडे करके थे, वो मेरी स्कूल में आए शाम को 5 बजे और मुझे मिले। बोले कि आपके आपने कोई चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा कहाँ लिखूंगा मैं। बोले मुख्यमंत्री कल तू मेरे घर पे आ रहा है, संस्था में आ रहा है, तुमको मालूम है। मैंने कहा नहीं। बोले आपकी स्कूल में आ रहा है, आप व्यवस्था करो। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं व्यवस्था कौन सी करूँ, आपको जो वो करना का मंडप बनाना हो तो आप बना दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो वो बोले कि नहीं पैसा नहीं है। मैंने कहा हम व्यवस्था करते हैं। तो उसने मतलब बना दिया, सब कुछ व्यवस्था था, बट थोड़ 5 बजे के बाद किया। बोले कि कल सुबह आपको एयरपोर्ट जाने का है उसको रिसीव करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, आप मुझे ले जाना। बोला हम सब व्यवस्था करेंगे। फिर मैं एयरपोर्ट पर गया तो नरेंद्र मोदी जैसे बाहर निकले इतना बोला कन्नू भाई जी देखो मैंने प्रॉमिस दिया था मैं आया ने। ये बोला कन्नू लाल है तू मेरा। मैंने कहा सर चलिए। बोले नहीं तुम मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं सीधा तुम्हारे संस्था में आता हूँ। तो मेरे वो टाइम जो आए तब 290 बच्चे थे, तो बच्चों को देखकर ट्राइसिकल व्हीलचेयर पे था मेरा आदमी मोहन नायर, मेरे व्हीलचेयर को पुश कर रहे थे। तो उसने बोला मैं खुद चलाऊंगा कनु भाई की व्हीलचेयर। तो उसने मेरी व्हीलचेयर चलाई और बहुत अच्छी तरह से फिर मुझे आशीर्वाद दिया, बच्चों को खाना खिलाया। फिर बोला कि कनु भाई 1 मिनट में आपको जवाब देना है। 1 मिनट में? मैंने कहा सर 1 मिनट में? बोले मैं जमीन दूं आपको संस्था बनाने के लिए तो बाद काम आपको करना पड़ेगा, जमीन आप लेके तो मेरे को दो, मैं बात काम भी करूंगा और ग्रांट भी दूंगा, आपको क्या चाहिए बताइए, एक ही मिनट में बताओ, जमीन चाहिए कि फिर आपको बिल्डिंग चाहिए। मैंने कहा सर मेरे पास जमीन लेने के लिए एक पैसा नहीं है, ऐसा करिए आप जमीन दे दो मेरे को। सीधा उसने म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला और मेयर को बोला, सबको बोला कनु भाई को जहां से पसंद पर जमीन ले दो। मुझे तापी नदी के किनारे जमीन लेने का था तो मुझे यहाँ तापी नदी के किनारे 4,280 चौरस मीटर मुझे बिना मूल्य उसने जगा दिया। मैंने बोला कि सर एक पैसा तो लो, थोड़ा पैसा। बोले आपसे क्या पैसा लो, आप इतना अच्छा काम करते, अभी बात काम करो, शिलान्यास विधि मैं करूं।
मैं कहूंगा 3 साल के अंदर बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो मैं जमीन ले लूंगा वापस। ऐसा नहीं कि आप जमीन लेके ऊपर सो जाओगे अच्छा और आज नहीं तो कल बिल्डिंग बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं होना हाँ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर नरेंद्र हाँ मोदी इतने दयालु थे कि जो रिलायंस हजीरा ग्रुप को L&T में सब कंपनियों को उसने फोन कर दिया था कि एक दिव्यांग आएगा आपके पास, वो बोलेगा कि मुझे दिव्यांग स्कूल बनाने की है, आप उसको पूरी मदद करना। तो मैं वहां सब कंपनियों में गया तो किसी ने 11 लाख वाह दिया, सर, किसी बहुत ने अच्छी 51 लाख बात दिया, किसी ने बोला मैं 10 कमरे बना देता हूँ। तो ये अलग स्कूल बन गई। फिर उनके हाथों से मैंने उद्घाटन करवाया। बोले कि मुझे मालूम था करूं भाई कि आप सब कंपनियों में क्या जाने बात वाले है। थे, सूरत शहर की जनता के पास एक भी पैसा नहीं। मैंने वो टाइम लिया। सब आज पूरे देश में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट बन गई है। 1 से 12 धोरण की स्कूल है। 12 धोरण के बाद बच्चे लोग कॉलेज नहीं करते, कॉलेज में देना पड़ता था। फिर मैंने कॉलेज हाँ, बनाया, आपने BCA उनके लिए भी कॉलेज। रिहैबिलिटेशन के लिए आपने यहाँ उनके लिए भी ITI किया। है, तालीम सेंटर है, रिहेब सेंटर है, लड़का लड़कियों की हॉस्टल है। यहाँ प्रभु जनरल हॉस्पिटल है, हर महीने 15-20 ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज पे होता है। फिजियोथेरापी सेंटर है। और बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे आपने मतलब चूंकि आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन आपने फिर भी बहुत तफसील से अपनी जर्नी बताई है, और मुझे मालूम है कि 1 घंटे से आप चेयर पे बैठे हैं वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर ने मैं आपको एक टोटल आखिरी एड्रेस बोला चीज हुआ बता है। दूं, मैं बस एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी बता आपसे। देता हूँ, मेरा कोई डर नहीं आपके हाँ हाँ सांस प्लीज से, बताइए। आपका मतलब वाइब्रेशन, आपको दर्द तो नहीं हो आपकी रहा? दर्द तो ऊर्जा नहीं हो रहा मुझे ना? मिल रही है। मैं पक्का पक्का खिलाड़ी हूँ कि मैं आपका आपको खाली खम कर दूंगा। बिल्कुल योगी दाजी खाली खम कर दोगे, बिल्कुल खाली खम। मेरा अरे एक ड्रीम था थैंक यू सर। कि मैं 3 चीज मरते पहले करने वाला हूँ हाँ सर, कि एक तो मैं स्कूल बनाऊंगा कॉलेज तक, और दूसरा मैंने सोचा था हॉस्पिटल बनाऊंगा। आज हॉस्पिटल मेरी हाँ बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। हाँ और तीसरा मैंने नक्की किया था कि रेलवे स्टेशन, गार्डन, बगीचा में, कहीं भी, आप पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं सूरत में, दुनिया में कहीं भी दिव्यांग देखोगे, जितनी भी लावारिस लाश होएगी वो दिव्यांग की होती है। ओल्ड एज होम वाले दिव्यांग को रखते नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मैं सूरत में कभी कभी 10-15 ओल्ड एज होम है, तो मेरे मेरे को मन में होता है तो मैं फोन करता हूँ कि आज एक दिव्यांग आया है, ओल्ड है, तो आप उनको रखो आपके वहां। मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं कनू भाई हूँ, तो ये मेरे को बताते हैं लोग, हम काम नहीं करते, एक नंबर देते हैं कनू भाई टेलर का, वो दिव्यांगों का काम करता है, आप उनको 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 बात करो ना, वो कुछ करेगा। और मेरे वहां दिव्यांगों के लिए जगह नहीं है। अभी मैंने नर्मदा नदी के किनारे 10 बीघा जमीन लिया है। मैं ओल्ड एज होम बनाने के लिए मैं रिसोर्ट बनाने वाला हूँ। ये 15 दिन में गुजरात के राज्य अरे वाह, मुख्यमंत्री श्री पटेल साहब, उसका शिलान्यास विधि करने के लिए भूपेंद्र भाई पटेल, अभी अभी मैं 4 दिन पहले उसको मिल के आया, उनकी आंखों में आंसू आ गया अच्छा था ये बात सुन के। बोले कनु भाई आपने कैसे सोचा? मैंने कहा मेरी जिंदगी का 3 ड्रीम है, अब ये लास्ट ड्रीम है, आप मुझे
शिलान्यास विधि कर दो। वो मान गए, वो आने वाले हैं मुख्यमंत्री। मैं कब से कब 100-200 दिव्यांगों को ओल्ड एज होम में फ्री ऑफ चार्ज, ये स्कूल में भी हॉस्पिटल में भी मैं किसी से पैसा मैं लेने के लिए भी नहीं चाहता हूँ। योगिता जी भगवान से बहुत मानता हूँ और भगवान मेरी इच्छा पूरी करते हैं। मेरा टीचरों का पगार भी मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। यहाँ नोट पेन पेंसिल स्लेट लंच बॉक्स वाटर बैग बे जोड़ी यूनिफॉर्म घर से लाना घर पे छोड़ देना डॉक्टर की ट्रीटमेंट फ्री सब फ्री। आज सूरत शहर में एक भी दिव्यांग कहीं भी कोई भीख नहीं मांगता है। कोई ढूंढ कोई ढूंढ के लाए तो आपके माध्यम से मैं बोलूं मैं 1 लाख रुपया दूंगा। 29,000 बच्चे दिव्यांग बच्चे ने लाभ ले चुके हैं और मुझे भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा है। मेरा शरीर कुछ काम नहीं करता है, शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता है, सिर्फ एक जीभ अच्छी है और भगवान किसी के रूप में आके वो काम करके चले जाते हैं। क्योंकि जब भी मैं भगवान से बहुत मानता हूँ और जो दिव्यांग बनते हैं वो कर्मों की सजा है, वो जो कर्म जो करते हैं उसकी सजा भुगाना पड़ती है। आप इतनी संवेदनशील हैं, मैंने देखा कि मैं रोता हूँ तो आप रो जाते हो। मेरे को दिल में ऐसा होता है कि मैं क्यों आपसे बात नहीं करूँ, आपको क्यों खाली कम नहीं करूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका जितने लोग सुन रहे हैं, मैं दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पैसा नहीं दो, मेरे लिए आप आशीर्वाद देते रहना। जो भी सुनते हैं वो भगवान से प्रार्थना करता है, राम को बोलो कृष्ण को बोलो हिंदू और मुस्लिम हो किसी को मैं कहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करना बस, कि मेरा ये घड़ाघर ओल्ड एज होम का सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाए, ऐसा मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। थैंक यू वेरी मच आप। अरे सर सर मैं आपसे बस एक बात कहूंगी सर आपसे, आपकी आप जिस लगन से लगे हुए हैं ना, आपने कहा ना कि हमें किसी किसी जन्म का पाप भोगना पड़ता है इसलिए दिव्यांग बनते हैं। सर भगवान ने आपको जो मौका दिया ना वो दिव्यांग बना करके लोगों की जिंदगी को रोशन करने का, वो हम में से किसी को नहीं दिया है। हम तो अनुग्रहित हैं, हम तो बहुत थैंकफुल हैं आपको और भगवान को कि आपको यहाँ भेजा और आपके पास वो विजन दिया कि आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है ह्यूमैनिटी की सेवा करने वाला खुद भगवान होता है। तो आपको तो प्रणाम है सर मेरी तरफ से। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, आपकी तबीयत नहीं ठीक है उसके बावजूद भी आपने समय दिया सर, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर, अपना आशीर्वाद आप हमें। आप सूरत जरूर आना और ओल्ड एज होम में भी आप शामिल होना। आपका नंबर सेव कर लिया है, मैं आपको बुलाऊंगा जरूर सर। शायद भगवान ने आपको भगवान के रूप में भेजा है और यही प्रार्थना करता हूँ कोई भी दिव्यांग ये आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, कोई भी काम हो तो जरूर आपके माध्यम से मेरा संपर्क करें, मैं पूरी मदद करूंगा। यहाँ कॉलेज के बाद मैंने बताना भूल गया कि कॉलेज के बाद जो दिव्यांग लोग होते हैं उसकी यहाँ शादी भी होती है, शादी भी करवाता हूँ, उनका पुनर्स्थापन भी करवाता हूँ। तो कोई भी काम हो दिव्यांगों को तो जरूर योगिता जी का संपर्क करना। योगी जी जय, तो माँ लक्ष्मी के रूप में माँ लक्ष्मी माँ की जय हो, जय हो माँ लक्ष्मी माँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, मुझे भी सर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा सर, थैंक यू।